नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ार में। आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से अक्षिता कॉटन की। जी हाँ, थोड़ा रिलीफ ही सही, कम से कम मिला तो 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है, तो आज मात्र 1.89 रुपये शेयर गिरा है। सेलिंग ऑर्डर में क्या रहा है, वॉल्यूम में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3 लाख से सीधा पहुंच गया है 5 लाख, तो कुछ बढ़ोतरी वॉल्यूम में देखने को मिली है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग पे हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने गोयल एल्यूमिनियम पे वीडियो डाला था जिसमें प्रमोटर्स ने अपना 1% स्टेक बेचा है, माल बेचा है उन्होंने, और उसी दिन बेचा है, 27 अप्रैल के आसपास को बेचा है। तो क्या यहाँ पर प्रमोटर और उनकी मिली भगत है ऑपरेटर्स की कुछ, तो उस पर मैंने चर्चा की है, आप जाके देख लीजिए गोयल एल्यूमिनियम वाला वीडियो। और आज के वीडियो में भी हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। एक सज्जन का कमेंट आया था कि क्या अगर हम लोग सेबी को कंप्लेंट करें तो जो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, फंसे हुए पैसे हैं, क्या वो मिल सकते हैं, निकल सकते हैं, तो आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग वॉल्यूम और चार्ट देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, लेकिन उससे पहले गए थी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, शेयर स्मॉल में BAZZ कैपिटल में है। जो भी न्यूज़ वगैरह आती है मैं फटाफट इसमें डाल देता हूँ, कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर आपको तुरंत एक्ट करना होता है, तो मैं इसमें कुल मिला के न्यूज़ और अपने वीडियोज़ के लिंक यहाँ डालता हूँ। ये मैंने गोयल एल्यूमिनियम पे कल वीडियो बनाया था उसका लिंक डाला था, बाकी जो अपना न्यूज़ वगैरह आती है वो डालता हूँ, रिजल्ट्स वगैरह आते हैं वो डालता रहता हूँ, तो आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई टिप वगैरह गाइस मैं नहीं देता हूँ, आप मेरा चैनल ज्वाइन करने के बाद ऊपर तक पूरा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी एक भी शेयर मैंने नहीं बताया कि आप इसको लीजिए और इसको बेचिए, क्योंकि मैं ना टिप देता हूँ और ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा, जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, नितिन भाई, गोविंद जी पटेल, कुशल पटेल जी हैं, गीताबेन पटेल जी हैं, तो यहाँ पर, और ये अमित कुमार जी हैं, तो ये आपको इतने प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। और ये उनका स्टेक दिख रहा है 1.5%, 3.3%, 29% और 35.6%, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको FIIs की होल्डिंग दिख रही है, ये है AG डायनेमिक्स और नेक्स्ट पैक्ट हैं जो भी, और नव कैपिटल है, तो ये आपको FIIs की होल्डिंग दिख रही है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो लगभग 12% के आसपास मामला आ जाएगा। और इसी में यहाँ पर आपको पब्लिक की होल्डिंग दिख रही है, पब्लिक में देखिए यहाँ पर कौन कौन है, सोशल है, ये है, LIP है, जो भी हैं। और यहाँ पर आपको ये आपको कल गोयल एल्यूमिनियम में भी दिखे थे और यहाँ पर भी अभी देख पा रहे हैं, तो अभी इनके पास गाइस ये यही है इन्होंने जिन्होंने स्टेक अपना बेचा है, और यहाँ पर अभी भी इनके पास 1% की होल्डिंग है, और ये लगभग 19,95,756 शेयर होते हैं, समझने गए दिए। मैंने आज ही डाटा लिया, अब मेरे हिसाब से तो अपडेट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन साइट है, काफ़ी फेमस साइट है और काफ़ी अपडेटेड डाटा यहाँ पर रहता है, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हो सकता है 1%, हालांकि BSE से ज़्यादा तो इनका ही डाटा अपडेटेड है, मैं BSE से भी अभी डाटा लेके आया हूँ, आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इनके पास अभी 1% स्टेक है और लगभग 19,95,000 शेयर लेके ये बैठे हुए हैं, और 27 तारीख को गाइस इन्होंने ही अपना स्टेक बेचा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बल्क सेल दिख रहा है, और यहाँ पर 81.14 रुपये बेचे हैं इन्होंने 9,60,922 शेयर। उसी के बाद इन्होंने परचेज भी किया था 81.11 रुपये पे, 11,66,216 शेयर। फिर इन्होंने देखिए यहाँ पर पहले सेल किया था, 26 तारीख की बात आ गई, अब 79.25 रुपये पर इन्होंने बेचे हैं 15,64,892 शेयर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर इन्होंने ही देखिए 26 तारीख को ही परचेज किया है 79.02 रुपये पे, और 8,09,500 शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार इन्हीं के द्वारा कुल मिला के परचेज और सेल आपको देखने को मिल रहा है। सिटाडेल बीच में एक आया था, फिर उसके बाद वंडरलैंड, और ये लगभग मार्च अप्रैल से तो ये चल ही रहा है। देखिए 25 अप्रैल को है ये पूरा, और ये 26 अप्रैल का है, आप वीडियो को पॉज करके आप गाइस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देखना चाहें परचेज सेल क्या किया है, कुल मिला के इन्हीं का मामला। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 25 अप्रैल को इन्होंने फिर से परचेज किया था, और यहाँ पर फिर सिटाडेल ने यहाँ पर जो भी कुछ किया 25 अप्रैल का। तो मैं अभी फिलहाल इतना ही डाटा लेके आया हूँ, और अब यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर 27 तारीख तक का उनका दिखा रहे हैं, लेकिन ये मैं BSE की साइड से गया तो BSE की साइड पे भी 26 तारीख तक का ही अपडेट है। यहाँ पर वंडरलैंड के शेयर दिखा रहा है, बेचे हैं क्वांटिटी 3,78,662, तो ये लगभग 26 अप्रैल का डाटा है। आप पीछे से देखेंगे तो मैच भी कर रहा है, और 26 के बाद फिर 20 अप्रैल और सारी चीज़ें आपको यहाँ पीछे देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग आते हैं गाइस सेलिंग ऑर्डर पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी 59 लाख का सेलिंग ऑर्डर आपको सुबह सुबह मार्केट खुलते ही देखने को मिल जाता है। और ये अगर आप देखेंगे, ये गाइस NSE का है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने लिया है सुबह 9:28 के आसपास का, तो लगभग खुलते ही आपको 59-60 लाख के करीब ऑर्डर दिख जा रहे हैं। और यहीं बात करेंगे हम फिर BSE के डाटा की, सुबह 9:15 बजे के आसपास की, 9:30 बजे के आसपास की, तो यहाँ पर 18,53,000 आपको खुलते ही सेलिंग ऑर्डर दिख जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केट बंद होते होते क्या आलम हो जाता है गाइस, तो यहाँ पर मैंने लगभग 3:26 पे लिया है इसको, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 61,84,000 शेयर आपको सेलिंग साइड देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये डाटा जो है वो NSE का है। और यहीं आप देखेंगे अगर 3:26 का ही डाटा है यहाँ पर, और ये BSE पे आप देखेंगे तो 22,20,000 आपको
शेयर जो है वो सेलिंग साइड में लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे गाइस तो लगभग आपका मान के चलिए 80 से 85 लाख के बीच में बैठता है, जो कि इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इतने ही आपको देखने को मिले थे। तो सेलिंग साइड में गाइस आपको कमी इस बार नहीं देखने को मिली है, लेकिन आपको वॉल्यूम में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम 5 लाख का आपको जनरेट किया इसने। इससे पहले 3 लाख का वॉल्यूम था, उससे पहले भी 3 लाख का वॉल्यूम था, और उससे पहले 2 लाख का वॉल्यूम था। तो 2 से 3, 3 से 5 लाख आपको वॉल्यूम देखने को मिला है। वहीं 1 मंथ का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 82 लाख का है, जबकि डिलीवरी होल्डिंग 37.48% की है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये ट्रेड टू ट्रेड हो रहा है, तो यानी कि सेम डे आप इंटर डे में पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। हम लोग आते हैं, अभी हम लोग चार्ट भी देखेंगे, लेकिन इनका जो कमेंट था आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए। इनका मुझसे पूछना था कि क्या अगर हम लोग सेबी को कंप्लेन करें सब लोग कलेक्टिवली, तो क्या यहाँ पर कुछ संभावना है कि यहाँ पर हमारा जो फंसा हुआ पैसा है वो वापस मिल पाए। तो गाइस देखिए, संभावना तो होगी अगर सेबी की नज़र जाएगी। देखिए, जब अडानी वाला मामला हुआ तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और उस पर जाँच चल रही है, सेबी ही जाँच कर रहा है। तो और लेकिन मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर आपको कलेक्टिवली तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में मैंने बहुत कुछ किया है। मैं फ्यूचर ग्रुप को कवर कर रहा हूँ जब से इंसॉल्वेंसी शुरू हुई है, लगभग उससे बहुत पहले से है ना। और वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप बने थे टेलीग्राम पे, वहाँ पर लोग कलेक्टिवली यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे थे सेबी को। हालांकि सेबी ने उसका इम्पैक्ट भी दिखा, काफ़ी सारी चीज़ें स्टैचुरी ऑडिट के लिए भी बैठा ला, टीम बैठा ली, सब कुछ किया, लेकिन मुझे शेयर होल्डर्स के पक्ष में मतलब उनका पैसा वापस मिलना उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। लेकिन सेबी के पास पावर है, जब अरशद वारसी जी ऐसे लोग या बड़े बड़े दिग्गजों पर, इवन अंबानी साहब पर उन्होंने फाइन लगाया था 22 करोड़ का, मुझे याद है 2-3 साल पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ी कर रहे थे या कुछ भी था। तो सेबी के पास पूरी पावर है, वो बिल्कुल कर सकती है, बशर्ते चीज़ें कलेक्टिवली हों, उनके पास उनके कान में आवाज़ वो पहुँचे। तो मैं जब फ्यूचर ग्रुप का मामला था तो वहाँ पर ग्रुप वगैरह भी बने थे, मैंने उस ग्रुप को प्रमोट भी किया था। मैंने ग्रुप नहीं बनाया था, मैंने उसको अपने चैनल पे दिखाया भी था कि आप लोग जाएं उसको क्या कहते हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन कुछ समय बाद मालूम क्या होता है गाइस, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो भेड़ बकरियों की तरह वो आपस में लड़ने लगते हैं, इतने ज़्यादा ओपिनियन आने लगते हैं, हर एक आदमी अपने आप में खुद को बड़ा वो समझने लगता है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगते हैं, खूब ज़्यादा लड़ाई होने लग पड़ती है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने उस ग्रुप को तुरंत 2-3 दिन में फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। मैं समझ गया यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस आप चाहें तो कलेक्टिवली ट्राई कर सकते हैं, तो अगर सेबी चाहेगा तो बिल्कुल सेबी के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है गाइस, कल वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया, तो वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ शंका डाउट लग रहा है कि सेम डे पे तीनों सेम चीज़ एक जैसे सब कुछ हुआ है। वहाँ पर प्रमोटर ने भी माल सेल किया अपना गोयल में, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो और एक चीज़ और आपको होल्डिंग होता है, तो गाइस जब 1% से ऊपर का मामला होता है ना, तभी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है BSE, और उस पर उससे कम का मामला होगा तो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ पर देखिए 1% का जो पब्लिक स्टेक है उनका भी नाम वहाँ पर दिखाया था, जो शुरू में भी मैंने आपको दिखाया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग बात करते हैं गाइस चार्ट की, तो मैंने आपको पहले वीडियो से अपने जो एक्जिटा कॉटन का है उस पर मैंने बता रखा है कि गाइस जो 30 से 40 की रेंज है यहीं पर ही आता हुआ दिखेगा, और 30 का अगर इसने सपोर्ट तोड़ा तो फिर उसके बाद आपको फर्दर नीचे और गिरावट देखने को मिल सकती है, वो भी 25 रुपये तक के। तो 30 रुपये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि 30 रुपये तक नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस सेलिंग ऑर्डर तो कम नहीं हुए यार, लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अगर कल या परसों आप मान के चलिए 1-2 दिन में, मुझे ऐसी संभावना है कि यहाँ पर आपको हलचल देखने को मिल सकती है। गाइस ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। हम लोग आकलन करते हैं, हम लोग थोड़ी स्टडी करते हैं, वॉल्यूम्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं सेलिंग ऑर्डर आपके सामने इसीलिए लेके आता हूँ कि आप खुद देखिए। सेलिंग ऑर्डर जब तक 30 लाख 40 लाख की रेंज में नहीं आएंगे, 50 लाख की रेंज में नहीं आएंगे, तब तक कोई एंट्री जब तक नहीं करेगा कोई प्लेयर, वो खरीदेगा नहीं सारे शेयर्स को, तब तक मामला नहीं बनेगा। और जब हलचल होगी तभी आप लोगों को थोड़ा सुकून आएगा, और मुझे भी थोड़ा सा सुकून आएगा। चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में हों, जैसा आप लोग सोच रहे हों वैसी ही हों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस, आप अपनी भी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है सेबी के पास कंप्लेन करने से क्या कुछ हल हो सकता है या क्या हो सकता है, तो आप भी अपनी राय बताइएगा गाइस, है ना। चलिए, धन्यवाद।